शिक्षक साथियों नमस्कार, नॉलेज वी सी एम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप नवंबर माह का असेसमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए साथियों, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरह से लॉगिन होने पर हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए थ्री लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा मेनू है, इसे हमें क्लिक करना है। जैसे ही इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें हमें यह शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। जैसे ही हम शिक्षक के कार्य को क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमें नीचे की ओर जाना है और यहाँ पे हमको मिलता है देखिए विद्यार्थी का असेसमेंट। तो हमें ये विद्यार्थी का असेसमेंट को टच करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई पड़ रहा है कि नवंबर का असेसमेंट अभी बंद कर दिया गया है, अभी अक्टूबर के असेसमेंट की एंट्री की जानी है, विभाग के आदेशानुसार ही नवंबर का असेसमेंट ओपन किया जाएगा। तो साथियों, इस नोटिफिकेशन को भी आपको ध्यान अब नहीं देना है, क्योंकि अब अक्टूबर माह के असेसमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2020 आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही आप उसके ऊपर टच करते हैं ये देखिए आपके सामने ऑप्शन आ चुका है अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020। तो यहाँ से आप नवंबर 2020 का चयन करेंगे और चयन करने के बाद यहाँ पर देखिए कक्षा लिखा हुआ है सभी कक्षा। तो यहाँ से आप जैसे ही टच करते हैं तो आपके सामने क्लास का ऑप्शन आ जाता है इस तरह से। तो आपको जिस कक्षा का असेसमेंट करना है उस कक्षा को आपको इस तरह से चयन कर लेना है। चयन करने के बाद आपके सामने उस क्लास के जितने भी बच्चों का आपने पंजीयन किया है उसकी सूची आपके सामने इस तरह से दिखाई पड़ेगी। फिर बारी बारी से आप बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि आपको लगता है कि आपने उस बच्चे का उस माह में असेसमेंट कर लिया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये असेसमेंट देखे को क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस माह में आपने उस बच्चे का असेसमेंट किया है या नहीं किया है। देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि विद्यार्थी का असेसमेंट नहीं हुआ, यानी कि इस मामले में हमने इसका असेसमेंट नहीं किया है। फिर तो आप ये असेसमेंट देवे को क्लिक करके आप संबंधित विद्यार्थी का असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट करने के बाद आप पुनः वापस जाएंगे और इसी तरह से आप बारी बारी से सभी विद्यार्थियों का असेसमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, आप नवंबर माह का असेसमेंट कर सकते हैं, उसका विकल्प आपको पोर्टल में दे दिया गया है। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।